बाराछीपा बड़ौद राजस्थान की एकमात्र प्रथम एवं विशिष्ट पहचान रखने वाली लहसुन मंडी, जिसमें लहसुन के अलावा कुछ और नहीं आती फसलें, बिकने मात्र लहसुन ही इस मंडी में बिकता है। सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉलियों से आता है यहाँ लहसुन। मंडी में लहसुन बिकने, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों के कारण यहाँ पर ना तो कोई किसान सुरक्षित है और ना कोई व्यापारी सुरक्षित है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार लहसुन मंडी में मंडी प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सुरक्षा के बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस लहसुन मंडी में हर नावदा जागीर निवासी व्यापारी लालचंद गुर्जर ने बताया कि 25 मई की रात्रि को 12 बजे के बाद लहसुन मंडी के यार्ड से चोरी हो गई थी, जिसका आज तक कोई सुराग नहीं लगा। गुर्जर ने बताया कि 5300 रुपए क्विंटल की दर की 10 कट्टी लहसुन था, जिसका वजन 5 क्विंटल था, और 26500 रुपए की कीमत का लहसुन चोरी हो गया था, जिसकी स्थानीय पुलिस थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी, लेकिन आज तक कोई सुराग नहीं लगा। इस लहसुन मंडी में कोई भी सुरक्षित नहीं है। आए दिन किसानों के ट्रैक्टर ट्रॉलियों में से लहसुन की कट्टियां समेत ट्रैक्टर ट्रॉलियों के पार्ट्स को भी चोरों द्वारा निकाल लिया जाता है। इतना ही नहीं, व्यापारियों के गोदामों और लहसुन मंडी में बने यार्डों में जमी लहसुन की कट्टियों को भी आए दिन चोरों द्वारा चोरी की घटनाओं को अंजाम देने से नहीं चूकते हैं। ये नाम मात्र की मंडी है, यहाँ पे ये जो शराबियों का लगातार इसमें आतंक है, और जो ये शराबी तत्व के जो लोग हैं, इनके द्वारा यहाँ पे जो ट्रैक्टरों में से किसानों के जो ट्रैक्टर है, जो वाहन से ये जो माल बेचने आते हैं, इनके भी जो सामान निकाल लिए जाते हैं, ट्रैक्टरों की बेटें निकाल ली जाती है, और भी जो कई सामान है निकाल लिए जाते हैं। किसानों के जो माल है उनकी भी कट्टे लगातार चोरी हो रहे हैं, और जो ये व्यापारी वर्ग के जो लोग हैं ये भी परेशान हैं। कई बार मंडी प्रशासन को भी अवगत करा दिया गया, इसमें CCTV कैमरे भी नहीं है। और पहले चोरी हुई थी ना जी, तो राम सिंह चौकीदार था यहाँ का, तो उसने बताया वहाँ का नाम कैसा ले था, वहाँ से वो चौकीदारी करता था उसकी, तो कैसा ले था, तो वहाँ नाम दर्ज रिपोर्ट कराई, तो आज भी कुछ भी कायम होगा मंडी में खड़े मंडी, तो आपको अभी किसी के आधार पे रिपोर्ट दर्ज करवाई है? आपके जैसे तो यहाँ पे काका है, व्यापारी होंगे बस, और उसके अलावा कोई नहीं, बहुत व्यापारी, सब्जी हो रही चोरी पहले के टाइम में, 19 थैले की बोल रहा था, 19 लाट पड़े हैं, 19 बोरी है, निश्चित काल बंडी बंद कर दिया। हाँ, और आगे से भरेगा, इस साल मेरी की है, महंगे भाव में तभी आगे से भरेगा दुकान का, इनमें कोई है ये तो यहाँ के जो ये मंडी प्रशासन है, जो व्यापारी जो है, आज भी किसान से ब्याज वाली सोच कर ला रहे, काम कर रहे, तो ये अब क्या आप क्या करना चाहते हैं, जैसे आपकी जो ये चोरी है, चोरी का जैसे पता नहीं लगा, तो अब आगे की क्या स्थिति रहेगी, क्या करेंगे आप? एक तो CCTV कैमरा लगाने के लिए, और एक चोर उठा था, तो यहाँ पे जो चौकीदार है, जो यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड है, ये क्या करते हैं? चौकीदार क्या करेगा, इनकी साइड में से इनकी सीटें बदल में से थोड़ी सी बात में वहाँ क्या हुआ, वहाँ होगा वहाँ से खत्म हो जाए। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।